मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस में दर्ज हुआ छेड़खानी का मामला। अपराध दर्ज होने के बाद भाजपाइयों ने पुलिस स्टेशन में मोर्चा निकालकर किया हंगामा। भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने डोंबिवली पूर्व के भाजपा के मंडल अध्यक्ष नंदू जोशी इनके खिलाफ धारा 354 की तहत छेड़खानी का मामला दर्ज किया है। महिला की शिकायत है कि उससे शारीरिक संबंधों की मांग नंदू जोशी ने की और न पूरा करने पर उस पर अपना मकान खाली करने का दबाव बनवाया। उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब समस्त डोंबिवली पूर्व के और पश्चिम के भाजपा के जितने भी संगठनात्मक पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, उन सभी ने डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उनका आरोप है कि शेखर बागड़े जो है वो मनमानी और दबंगई वाला व्यवहार करते हैं, महिलाओं के साथ में भी उनका व्यवहार खराब है। ऐसे कई तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने राज्य सरकार से शेखर बागड़े पर निलंबन की कार्रवाई की और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। किस तरीके से पूरा मामला हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही डोंबिवली भाजपा की तरफ से मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मोर्चा भी ले जाया गया और कैसे सीनियर पीआई बागड़े के खिलाफ नारेबाजी की गई, हंगामा क्या किया गया, देखिए हमारी इस खबर में। नंदू जोशी यांच्यावरती मानपाड़ा पुलिस स्टेशन मध्ये खोटा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्या खोट्या गुन्ह्याच्या निषेधार्थ आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आज या मानपाडा पोलीस स्टेशनवरती निषेध आंदोलन करण्यासाठी आलो आहे। खोटे गुन्हे दाखल करून कुणाची बदनामी करू नका, याच्या या गुन्ह्यामागे आम्हाला खूप मोठा संशय आहे, याच्यामध्ये खूप मोठं षड्यंत्र आहे। आम्ही सगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते इथं आलेलो आहोत, सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते इथं आम्ही आलेलो आहोत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असेल, भारतीय जनता पार्टी असेल, सर्वसामान्य नागरिक असतील, या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलो। आम्हाला एसीपी साहेब भेटले, माननीय कोराडे साहेब भेटले आणि त्यांनी आमचं सगळं निवेदन वगैरे ऐकलं, पण आमचं ठाम मत आहे तो गुन्हा खोटा आहे, तो गुन्हा रद्द व्हावाच, पण त्याबरोबरच भारतीय जनता पार्टी आणि इतर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जी इथं वागणूक मिळते ती वागणूक खूप चुकीची आहे, त्या वागणुकीच्या निषेधार्थ आम्ही मानपाडा पोलीस स्टेशनला आलो होतो आणि एवढ्या मोठ्या प्रचंड संख्येने आलो। सर राज्यात ही सरकारच्या विरोधातला मोर्चा नव्हता, एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या किंवा मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या विरोधातला मोर्चा होता। आमचं मत आम्ही त्यांच्या वरिष्ठांपर्यंत सांगायला आलो होतो आणि याच्या अगोदर सुद्धा आम्ही त्यांच्या वरिष्ठांपर्यंत आमचं मत पोहोचवलेलं आहे। सरकार आमचं असलं तरी आम्ही सरकारच्या विरोधात किंवा कोणाच्या विरोधात मोर्चा किंवा घोषणा दिलेल्या नाही, आम्ही आमचं मत लोकशाहीमध्ये मांडू शकतो का नाही। मला वाटतं जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांच्या नेतृत्वात जो मानपाडा पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे त्या संदर्भात निवेदन दिलेलं आहे, सदर गुन्ह्याचा तपास एका हुशार आणि आमच्यातल्या उत्कृष्ट तपासी अंमलदार महिला अधिकाऱ्याकडून चालू आहे, गुन्ह्यातील सत्यता पडताळून पुढील कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन आम्ही त्यांना दिलेले आहे।